हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ एसएपी एस फॉर हाना कोर्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी न्यू कैश अकाउंटिंग टाइप्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। तो एसएपी 2020 में एक न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू अकाउंट टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है जो है कैश अकाउंट टाइप। अब वो क्या है, किस तरह से काम करता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो पूरा डिटेल में पूरा रहेगा ये। तो क्या है इसमें, सैप इंट्रोड्यूस है न्यू जीएल अकाउंट टाइप सी। मतलब सैप ने एक न्यू जीएल अकाउंट टाइप इंट्रोड्यूस किया है जो है सी कैश अकाउंट, विच हैज टू सब टाइप। वैसे थ्री है इसके जो हम यूज करेंगे, मेन दो है। पहला है बी, बैंक रिकंसिलिएशन के लिए बी यूज होगा, और एस फॉर बैंक सब अकाउंट। द न्यू फीचर कैन हेल्प कस्टमर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ जीएल अकाउंट। अब न्यू जीएल अकाउंट टाइप यूज हुआ है एस फॉर आना 2020 से न्यू कैश अकाउंट टाइप। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। तो आते हैं एसएपी में, पहले हम देखते हैं इसको ये कहाँ पर है बेसिकली। तो आते हैं एसएपी में, एसएपी में आ चुके हैं, FS00 में जाएंगे जहाँ हम जीएल क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग में से हम पढ़ते आ रहे हैं इस कोर्स को, पूरा डिटेल में हमने कोर्स कम्प्लीट किया है। तो यहाँ पर देखिए नया अकाउंट टाइप आ रहा है सी कैश अकाउंट। ये प्रॉफिट, प्राइमरी कॉस्ट, रेवेन्यू, नॉन प्रॉफिट, ये हमने कोर्स में हम सारा कवर कर चुके हैं। तो हमारा अब मेन है सी कैश अकाउंट टाइप। ये अब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है इसको पढ़ते हैं। जैसे कोई जीएल ले लेते हैं हम, जब हम कैश अकाउंट लेंगे तो यहाँ पर देखो तीन चीज आ रही है, बी फॉर बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट, पी फॉर पेटी कैश, एंड एस फॉर सब अकाउंट। तो हमें अभी मेन दो पढ़ने हैं, बैंक रिकंसिलिएशन और सब अकाउंट। तो हमें ये पूरा पढ़ना है कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या इसका यूज है। तो अब रिड्यूस करा है नंबर ऑफ जीएल। अब इसका मतलब क्या है, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड को हम कंपेयर करते हैं। ओके, द ओल्ड मेथड विथ दिस मेथड वन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट थ्री जीएल पर हाउस बैंक एंड बैंक अकाउंट। देयरफॉर इफ द क्लाइंट हैज थ्री बैंक अकाउंट फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस बैंक एंड अकाउंट आईडी, वी मस्ट क्रिएट थ्री। मेन जीएल होता है, एक इनकमिंग होता है और एक आउटगोइंग होता है, विच इज ए टोटल 9 जीएल फॉर थ्री बैंक अकाउंट ऑफ द क्लाइंट। हेंस इफ द क्लाइंट हैज 50 बैंक अकाउंट, वी रिक्वायर टू क्रिएट 150 जीएल मास्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब हमने बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा था, तो उसमें क्या था, अगर हम ओल्ड मेथड को पढ़ते हैं, ओल्ड मेथड में क्या होता है कि अगर क्लाइंट के मल्टीपल्स बैंक अकाउंट है, मल्टीपल ब्रांचेस में या मल्टीपल बैंक्स में, तो उसमें क्या था कि जब हम बैंक अकाउंट बनाते थे तो एक बैंक के हम पर्टिकुलर, अगर एक पेमेंट मेथड है तो हम उसके तीन मेन जीएल बनाते थे, एक मेन बैंक, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। अगर उसका दूसरा पेमेंट मेथड भी है जैसे चेक, तो उसका भी इनकमिंग और उसका भी आउटगोइंग। तो एक पर्टिकुलर बैंक के लिए हमें टोटल 10 जीएल्स को होल्ड रखना पड़ता था। स्टार्ट होता था जीरो से, वही सीरीज में रहता था 1 2, ऐसी सीरीज में। तो टोटल हम 10 जीएल को होल्ड करते थे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, जैसे हमारा है तीन क्लाइंट के तीन बैंक अकाउंट है। फर्स्ट है आईसीआई में, तो आईसीआई में हमने, हमारे पास दो पेमेंट मेथड है, एक ट्रांसफर और एक चेक। तो हमने यहाँ पर मेन बैंक बनाया आईसीआई मेन बैंक, आईसीआई इनकमिंग, आईसीआई आउटगोइंग, और इसी तरह से आईसीआई इनकमिंग चेक और आईसीआई आउटगोइंग चेक। तो ये टोटल हमने यहाँ जीएल बनाया। इसी तरह अगर एचडीएफसी के बनाना है तो एचडीएफसी के भी जैसे 20, 21, 22, ऐसी SBI के, एंड सो ऑन, जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे उनके आपको अलग अलग जीएल्स बनाने पड़ेंगे। एक बैंक के लिए हम 10 जीएल्स होल्ड रखते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारा ओल्ड मेथड का। अगर आपने स्टार्टिंग में हमारा हाउस बैंक का कंसेप्ट है पूरा बैंक रिकंसिलिएशन, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर क्लाइंट के सपोज 50 बैंक अकाउंट है तो हमारे कितने जीएल बनाने पड़ेंगे, 150, क्योंकि एक के लिए तीन बनाने पड़ रहे हैं। तो 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 150। तो हमें 150 जीएल मास्टर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है, अगर मैं कैश अकाउंट, इस सी कैश अकाउंट की बात करूं, द न्यू मेथड वी डू नॉट क्रिएट 3 जीएल मास्टर डेटा पर कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस बैंक एंड अकाउंट आईडी एनी मोर। हमारे को अगर हम न्यू मेथड यूज करते हैं तो इसमें कोई नीड नहीं है आपको 3 जीएल मास्टर क्रिएट करने की कॉम्बिनेशन। ओके, अगर आपका एक पेमेंट मेथड है
ओनली वन पेमेंट मेथड। सपोज ट्रांसफर हमारी कंपनी यूज करती है बैंक ट्रांसफर, ठीक है, एक यूज कर रही है, तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट 3GL, वन बैंक एंड टू सब अकाउंट फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग। सब अकाउंट क्या होंगे, एक तो मेन बैंक हो गया, सब अकाउंट क्या होंगे, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग फॉर ऑल द लोकल बैंक अकाउंट एंड अनदर 3GL फॉर फॉरन। अगर आपके दो तरीके के हैं, लाइक अलग करेंसी में भी आपका, लाइक आईसीआई में ही आपका एक अकाउंट है, वो आपका यूएसडी में भी है और INR में भी है लोकल करेंसी में, तो आपको INR के लिए 3GL बनाने पड़ेंगे और 3 USD। तो चाहे अब आपके कितने भी बैंक हो, आपको बस एक बार 3GL बनानी है, एक वन मेन बैंक, वन सेकेंड आउटगोइंग और इनकमिंग न्यू मेथड के लिए। ओके, ऐसी अगर आपके पास टू पेमेंट मेथड है, लाइक ट्रांसफर और चेक, तो उसके लिए आपको टोटल 5 GLs क्रिएट करने पड़ेंगे, वन मेन बैंक के लिए और दो ये वाले ट्रांसफर के लिए, दो और चेक के लिए। अब इसको समझते हैं कैसे। अब जैसे ओल्ड मेथड में क्या था, जैसे हमने ICICI बैंक लिया था, तो इसका हमने 1000 10 1000 1122 ऐसी हाउस, HDFC के लिए 2 की सीरीज ली थी और SBI के लिए 3 की सीरीज है। तो देखिए 1 2 3 तो ये सीरीज नहीं है, लेकिन अगर हम न्यू मेथड का यूज करते हैं, तो न्यू मेथड में क्या है कि क्लाइंट के अगर जैसे मैं 3 लिए, 50 हो 100 हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे ICICI बैंक है, तो सीरीज देखिए एक ही GL यूज हो जाएगा सब में, एक ही GL को हम यूज कर सकते हैं, देखिए 10 10 10। तो इसमें हमारे को और GL बनाने की कोई रिक्वायरमेंट। तो यही कंसेप्ट है आपका कैश अकाउंट का, न्यू कैश अकाउंट टाइप का यही कंसेप्ट है कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि हमारे को मल्टीपल इतने सारे GLs क्रिएट करने पड़ते हैं, उनको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट होता था, तो इसीलिए SAP ने इंट्रोड्यूस किया बैंक रिकंसिलेशन कंसेप्ट कैश अकाउंट। तो इसमें क्या होता है कि आप ओनली लिमिटेड GL से आपके जितने भी अकाउंट से आप उनको हैंडल कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। दोनों मेथड में बस ये मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आपके नंबर ऑफ GL क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि अलग अलग GL है इसमें, तो हम बैलेंस आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं कि इस GL का बैलेंस है, GL का हाउस बैंक, ICICI का ये GL है, HDFC का ये। तो इस कंसेप्ट में हम कैसे करेंगे, क्योंकि GL तो हम सब में सेम यूज कर रहे हैं, कि अब अगर मुझे ICICI का देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पूरा इसे कॉन्फिगर करेंगे, पूरा बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्फिगर करेंगे, तो पूरा हम इसे डिटेल में अपने कोर्स में देखेंगे। ओके, बस अब अभी आपको जस्ट इसका कंसेप्ट समझना है कि कैश अकाउंट टाइप को बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। तो इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है, रिड्यूस द नंबर ऑफ GLs, नंबर ऑफ GLs को बेसिक इसका कंसेप्ट यही है, नंबर ऑफ GLs को रिड्यूस करने के लिए न्यू कैश अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन कंसेप्ट को यूज किया गया है। अब जैसे एग्जांपल दिया है, 10 अकाउंट है, 20 है, 30 है, 40 है। ओके, तो 10 है तो 10 एक बैंक के 3 बनते हैं, तो ओल्ड मेथड में 30 बनेंगे, इसमें 60 बनेंगे, इसमें 90 बनेंगे, इसमें 120 बनेंगे, लेकिन इसमें कितने हो रहे हैं, टोटल 2 पेमेंट मेथड इसके हैं, तो इसे 5 5 9 9, ठीक है, पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो यही कंसेप्ट है इसका, तो इंट्रोड्यूस द न्यू कैश अकाउंट टाइप। अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है S/4HANA 2020 से, इससे पहले के वर्जन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो 2020 और इससे अबव का यूज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपका कैश अकाउंट जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें तीनों देखो आ रहे हैं, बी फॉर बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये मेन होता है बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट के लिए, एंड यू असाइन द GL अकाउंट ID फॉर द, अभी हम इसको पूरा प्रैक्टिकल जो करेंगे, ये पूरा हम देखेंगे किस तरह से हम। तो आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स पे। तो सबसे पहले जो हमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स में GLs क्रिएट करने हैं, ओके, तो GLs क्रिएट किस तरह से होंगे इसमें वो हम देखते हैं। तो आते हैं SAP में, SAP में हम आ चुके हैं, यहाँ पर आएंगे FL00 में। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया था लास्ट क्लास में, कि इसमें जो बनते हैं कॉमन GLs बनते हैं ऑल बैंक अकाउंट्स के लिए। ओके, तो इसमें हमारे को लिमिटेड GLs चाहिए, तो
अब बनेगा कैसे, हम आते हैं यहाँ पर, हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम OBD4 में, OBD4 में ग्रुप चेक कर लेते हैं। HP01 हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट है, देखिए ये हमारे ग्रुप्स है। हमने एक और ग्रुप एड ऑन कर दिया कैश और बैंक अकाउंट का, जिसकी सीरीज है 6 ऑल टाइम 0। तो हम पहला GL इससे बनाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड GL होंगे वो किससे बनेंगे, वो कैश एंड बैंक अकाउंट। तो आते हैं, तो फर्स्ट GL हम क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करके यहाँ पर पूछेगा अकाउंट, GL अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, अगर आप ओल्ड मेथड यूज करोगे तो आप बैलेंस शीट अकाउंट लोगे, अगर आप न्यू मेथड यूज करोगे तो आप लोगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम जैसे ही लेंगे तो हमारे पास एक फील्ड और ऐड होने जाएगी, GL अकाउंट सब टाइप। ओके, GL अकाउंट सब टाइप। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, BPS बैंक रिकंसिलिएशन, पेटी कैश, सब अकाउंट। तो जब हम मेन बैंक का GL बनाएंगे, मेन बैंक का, तो उसको आपको लेना है किसमें, बैंक रिको में, मीन्स बी। जब आप मेन बैंक का अकाउंट बनाओगे, यहाँ पर अकाउंट ग्रुप क्या आ जाएगा, कैश और बैंक, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे मेन बैंक अकाउंट और इसको ये नीचे कॉपी कर देंगे, मेन बैंक आया ना यहाँ भी, हम क्योंकि तो फॉरेन अलग करेंसी के GLs अलग क्रिएट होंगे। तो बैंक मेन बैंक अकाउंट INR डाल दिया हमने। फिर आएंगे कंट्रोल डेटा में, कंट्रोल डेटा में यहाँ पर आपको कुछ नहीं लेना है, आप आएंगे किसमें, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में, यहाँ पर फील्ड स्टेटस डाल देंगे। तो G00 फील्ड स्टेटस ग्रुप हम लेंगे कौन सा, बैंक अकाउंट YB05 और रेलिवेंट टू कैश फ्लो, इसको ओके करके यहाँ पर और हमें कुछ नहीं लेना है और इसको जस्ट आपको सेव। तो मेन बैंक के GL बन गया सारे बैंक्स के लिए, एक ही होगा, तो एक हमने बना लिया। अब बनाएंगे हम सेकंड किसके लिए, चेक्स के लिए। ओके, तो क्या है, 11 और 12, तो हम बनाते हैं। अब हम एक GL और क्रिएट करेंगे, किसका बनाएंगे, 6 11 से बना रहे हैं। ओके, क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट टाइप, देखिए ये वाले बना रहा हूं मैं इनकमिंग के लिए। ओके, तो कैश अकाउंट टाइप, अब ये पूछेगा कौन सा, अब बना रहे हैं हम सब अकाउंट, तो अब लेंगे हम एस, ठीक है। जैसे ही हम एस पर एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा इसका रिकॉन अकाउंट बताओ, ठीक है, ये पूछेगा रिकॉन अकाउंट। तो रिकॉन अकाउंट कौन सा होगा, जो हमने मेन बैंक बनाया है इसका, ठीक है, जो मेन बैंक बनाया वो इसका रिकॉन अकाउंट होगा। ओके, यहां पर हम लेंगे कैश और बैंक और यहां बनाएंगे इनकमिंग चेक INR, ठीक है, इनकमिंग चेक INR, इनकमिंग के लिए बना रहे हम। कंट्रोल डेटा में आएंगे, ओपन आइटम मैनेजमेंट ऑन होगा, मैंने मेंशन भी किया है, नोट ऑल द सब अकाउंट हैव ओपन आइटम चेक, ओपन आइटम चेक होने चाहिए। ओके, तो ओपन आइटम चेक कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेट यहाँ पर आएंगे, इंटरेस्ट में यहाँ पर एलिमेंट टू कैश फ्लो एंटर कर देंगे, इतना हो गया। और इसको यहां से हम जस्ट सेव। ओके, तो GL इस तरह से आपके क्रिएट होंगे, देखिए बन गया। अब हमें कौन सा बनाना है, आउटगोइंग के लिए, तो 12 बनाते हैं, ओके करेंगे। देखिए बाकी सब कुछ ठीक, यहां पर हम क्या लेंगे, आउटगोइंग चेक INR और यहां लेंगे हम आउटगोइंग चेक INR। तो ये देखिए पहले इनकमिंग के लिए बनाया, अब बना रहे हैं आउटगोइंग के लिए। बाकी सब कुछ हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही चीज सेम, और यहां से इसको सेव कर देंगे। तो सब अकाउंट जितने भी होंगे वहां पर आपको एस लेना है और बैंक रिकॉर्ड डालना है आपको। तो हमारे दो बन गए। अब आपके अगर एक ही पेमेंट मेथड है तो आपको ये 3 GLC उतारने होंगे। अब अगर आपका ट्रांसफर का भी है तो आपको और बनाने पड़ेंगे, तो हम और बनाते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। एंटर करते हैं और यहां से इसको क्या करते हैं, इनकमिंग ट्रांसफर INR, इनकमिंग ट्रांसफर INR हो जाएगा, बाकी चीज सेम।
ओके, सेव बन गया। और एक बनाएंगे हम कौन सा, आउटगोइंग के लिए, यहाँ पर टू करके एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, आउटगोइंग ट्रांसफर आया ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और इसको भी यहां से सेव करेंगे। तो देखिए हमने जीएल जो क्रिएट करें, अब यही जो जीएल है, यही यही 5 जीएल हमारे ऑल बैंक के लिए यूज होंगे। अब आपको और जीएल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपका अकाउंट फॉरेन पे भी है, फॉरेन करेंसीज में लाइक यूएसडी, अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, तो आपको उस करेंसीज के अकाउंट अलग से बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारा जीएल क्रिएट करने का। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको हम डिस्प्ले करते हैं। तो पहला जीएल हमने बनाया, जो मेन बैंक होगा वो ऑलवेज रिकंसिलेशन अकाउंट होगा, बी में बनेगा। और जो हमारे सब अकाउंट्स होंगे, सब अकाउंट्स ऑलवेज एस में बनेंगे और उनका रिकंसिलेशन अकाउंट क्या होगा, मेन बैंक। ओके, तो ये कंसेप्ट बेसिकली आपको यूज करना है। अब हमारा काम है हाउस बैंक क्रिएट करना। तो हाउस बैंक हम पहले सीख चुके हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हम हाउस बैंक बनाते हैं पहले। तो हाउस बैंक बनाने के लिए हम कहाँ आते हैं, एसएपी में आते हैं। एसएपी की जो ट्रांजेक्शन है हाउस बैंक की, वो क्या है, FI 12। हम टी कोड के थ्रू बना रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे HP 01, ये हमारा कंपनी कोड है, इसको सिलेक्ट करके हाउस बैंक में आएंगे। देखिए कोई हाउस बैंक नहीं है, न्यू एंट्री पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम हाउस बैंक बनाएंगे। तो पहला हम हाउस बैंक जो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं SBI बैंक। ओके, हमने यहाँ डाल दिया SBI BN। ओके, तो ये किसमें है, IN, इंडिया में है। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। बैंक की डालते हैं यहाँ पर, बैंक की डालते हैं हम। अब बैंक की क्या होती है, हमारा IFSC कोड। तो हम यहाँ डाल देते हैं SBIN 0001। ओके, एंटर करते हैं और इसमें क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे बैंक का नाम SBI बैंक। रीजन कहाँ पर है, दिल्ली में, स्ट्रीट दिल्ली, सिटी दिल्ली, ब्रांच लाइक हमने डाल दिया कड़कड़डूमा। और यहाँ से इसको IFSC कोड को कॉपी किया और यहाँ पर हमने डाल दिया, इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमारा हाउस बैंक यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी जस्ट हाउस बैंक क्रिएट हुआ है, तो बैंक अकाउंट अभी नहीं क्रिएट किया है। अब एक और बना लेते हैं हाउस बैंक। अब बनाते हैं SBN। ठीक है, हम बना रहे हैं यस बैंक के लिए, ये भी IN में है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं SBN 0001। ओके, यहाँ पर डाल दिया, क्रिएट करते हैं यस बैंक। ये भी दिल्ली में है, ये हमने बिहार में है। और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। तो दो हाउस बैंक हमारे क्रिएट हो गए। देखने के लिए आप आ जाते हैं। तो हमारे HP 01 में दो हाउस बैंक है, SBIN और यस बैंक। इसी तरह सो ऑन आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। ओके, जितने आपको बनाने हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने दो हाउस बैंक यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर बनाना पड़ेगा आपको बैंक अकाउंट। SBI में हमें बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट बैंक अकाउंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये रिडायरेक्ट करेगा फ्यूरी ऐप पे। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या मांग रहा है, ये यूजर और पासवर्ड मांग रहा है। तो लाइक यूजर डाल देते हैं हम अपना। देखिए ये ओपन हो गया हमारा, यहाँ पर हम डिटेल फिल करते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप न्यू कैश अकाउंट टाइप यूज कर रहे हो, तो यहाँ से हाउस बैंक नहीं क्रिएट होगा। ओके, तो हम हाउस बैंक क्रिएट करेंगे लॉन्च पैड के थ्रू। तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब आते हैं हम, एक न्यू सेशन ओपन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आ रहा है फ्यूरी लॉन्च पैड। तो फ्यूरी लॉन्च पैड पे आएंगे और इसको अलाउ करेंगे। हम इसे क्रिएट करेंगे फ्यूरी लॉन्च पैड के थ्रू।
अब यहाँ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जस्ट लॉग इन कर लेता हूँ। तो हमारा फ्योरी लॉन्च पैड ओपन हो गया है। अब आपको सर्च में क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है मैनेज बैंक अकाउंट और एंटर कर देना है। जैसे आप इस पर एंटर करोगे आपके पास अलग अलग टाइल्स होंगी, आपको क्लिक करना है मैनेज बैंक अकाउंट टाइल्स पे, ये वाली। थोड़ा सा ये स्लो चलता है क्योंकि डमी सर्वर्स होते हैं, लेकिन अगर आप रियल टाइम में काम करोगे तो बिल्कुल ये जैसे आपका फ्यूरी जैसे जीयूआई आप पे काम करते हो इसी तरह से काम करता है। देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे मैनेज बैंक अकाउंट पे, तो जैसे ही हम मैनेज बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया क्रिएट, तो हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हेडर, न्यू क्या लिखा है, न्यू बैंक अकाउंट हेडर। हेडर में हम डालेंगे जिसका भी आप अकाउंट की डिस्क्रिप्शन जो डालना चाहते हो आप, तो SBI बैंक लाइक हम डाल देते हैं SBI बैंक करंट अकाउंट एग्जाम्पल पे। ठीक है, कंट्री किस कंट्री में है, IN। ओके, इंडिया में। किस करेंसी में है, अगर आपके अलग अलग करेंसीज में अकाउंट है तो वो आप यहाँ मेंशन करोगे किस करेंसीज में, INR में है। अकाउंट नंबर क्या डालना है, तो लाइक हमने डाल दिया तो हमने अकाउंट नंबर भी डाल दिया, ये अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बैंक की। अब बैंक की कहाँ से आएगी, बैंक की हमारी ये जो हमने डाली है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं बैंक की। ओके, हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे जनरल डेटा पे। ओके, अब आएंगे हम जनरल डेटा सेक्शन पे। तो किस कंपनी कोड पे आपको उसको क्रिएट करना है, तो हम बना रहे हैं HP01 पे। ओके, HP01 अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट टाइप है आपका, तो हमारा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है, एंटर कर देंगे। ओके, HP इंडिया सब कुछ आ गया है। देखिए हमने यहां पर तक डाल दिया सब कुछ। अब आएंगे हम हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी, हम इस पर आएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, इस पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा हाउस बैंक आईडी, तो हमने डाल दिया SBI 01। ओके, अब GL पूछेगा, तो देखिए अभी यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या आ रहा है, नो आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पर GL डालना पड़ेगा अपना। देखिए 6000 ही उठाया इन्हें ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो हमने GL क्रिएट किया था वहां पर लिया था बैंक रिकंसिलिएशन। जैसे हम इस पर एंटर करेंगे यहाँ पर नो की जगह क्या हो जाएगा, यस। देखिए हो गया यस बैंक रिकंसिलिएशन। ओके, तो हमने यहां तक सारी चीजें एंटर कर दी है, इसको हम अप्लाई कर देंगे। हो गया अप्लाई, उसके बाद सेव एज इनएक्टिव। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर एड ऑन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट, लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए SBI करंट बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर ये हो गया, ये सारी डिटेल हमने डाल दी। यहाँ पर स्टेटस क्या है, टू बी एक्टिवेट, तो जैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, हमारे कंपनी कोड पे एक्टिव हो जाएगा। बाद में इसे एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते। हो गया, देखिए एक्टिवेट हो गया। अब हम चेक करते हैं अपने यहाँ पर FI 12 में कि ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो बैक आके दोबारा से FI 12 में आते हैं। HP01 था हमारा कंपनी कोड, HP01 हाउस बैंक, तो हमने किस में बनाया, SBIN में। बैंक अकाउंट चेक करते हैं, रीड एक्सेस, ओके करते हैं। देखिए हो गया GL अकाउंट, सब कुछ हमने हमारा, देखिए बैंक अकाउंट नंबर आ गया। अब हम एक और क्रिएट करते हैं किसके लिए, यस बैंक के लिए। ओके, तो यस बैंक के लिए क्रिएट करना है, तो हम होम पे आ जाएंगे, दोबारा से हम टैल पे आएंगे मैनेज बैंक अकाउंट की।
मैनेज बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहां से क्रिएट करते ही नीचे आएंगे। सबसे पहले आप पूछ रहा है, अब की बार हम बना रहे हैं यस बैंक के लिए, तो हम डाल देते हैं यस बैंक करंट अकाउंट। ओके, कहां पर है? इंडिया में। करेंसी INR, अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो इसके अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं इसका अकाउंट नंबर हमने ये डाल दिया बैंक की। अब बैंक की कहां से आएगी? ये यहां से कॉपी करेंगे और इसको यहां पर एंटर कर देंगे, बैंक की को एंटर कर दिया एंटर। उसके बाद नीचे आएंगे कंपनी कोड, कंपनी कोड क्या है? HP01, एंटर कर देंगे। देखिए उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था, अकाउंट टाइप करंट अकाउंट। ओके, देखिए सारी चीजें ऐड ऑन हो गई। नीचे आएंगे, अब आएंगे हाउस बैंक कनेक्टिविटी पे, यहां पर क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्लिक किया क्रिएट पे, अब ये पूछ रहा है हाउस बैंक आईडी, तो हमने यहाँ डाल दिया YES01। ओके, अकाउंट आईडी हमारी YES01। अब यहाँ भी GL पूछ रहा है, तो GL हमारा कॉमन ही रहेगा, चाहे जितने भी बैंक हो, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। देखिए हो गया यस, सब कुछ डाल दिया, अप्लाई कर देंगे, सेव एज इनएक्टिव करेंगे। तो यस बैंक करंट अकाउंट ये हो गया हमारा क्लोज। अब यहां से इसको क्या कर देंगे? एक्टिवेट। इसी तरह से आप मल्टीपल हाउस बैंक क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर FS और FI12 में आएंगे, इसका भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं यस बैंक का चेक करता हूँ, तो यस बैंक में भी हमारे क्या हुआ है? क्रिएट हो गया है, ये देखिए YES01, ये हमारा। तो इसी तरह से आप अगर और भी अकाउंट है इसमें, अगर दूसरी करेंसी में है, तो आप वहां जाके क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हाउस बैंक तक हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी अगर आप डिटेल में पूरा देखना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स पेज पे आएंगे आप, कोर्स पेज पे यहाँ पर आपको मिलेगा SAP S/4HANA फाइनेंस कोर्स। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में हमने इसको न्यू कैश अकाउंट टाइप सेक्शन 27 में पूरा डिटेल में सारा कवर किया है ये। तो इसमें और भी चीजें अभी इंक्लूड होंगी, तो पूरा हमने कंप्लीट किया है। अगर आप पूरा डिटेल में करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो एड टू कार्ट करके। कोई क्वारी है तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस आपको जस्ट लॉग इन करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट अकाउंट, और आप इसमें एनरोल हो जाएंगे पेमेंट करने के बाद। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है? हाउस बैंक क्रिएट करना। तो आज की वीडियो में थे, थैंक यू।